آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، قرآن خوانی کے 96 درس میں ہم جاری رکھیں گے کل کی بحث کو دوہری اضافت کے. ہم نے آخر پر جس مثال کو اپنے بحث میں لایا تھا وہ تھا فاطمۃ بنت رسول اللہ، فاطمۃ بنت رسول اللہ، بنت رسول اللہ، بنت فاطمۃ جملہ ہے مبتدا، بنت رسول اللہ مرکب اضافی دوہرا کہ فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، تو تین اسم آ جاتے ہیں ایک ہی مرکب کے اندر. کل ہم نے کہا تھا کہ آج ایک اور مثال دیں گے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، ایک حدیث سے. حدیث شریف میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه القلوب، هذه القلوب لا تصدأ كما يصدأ كما يصدأ الحديد كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء يسأل عنه صلى الله عليه وسلم ما جلاؤها يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت
ذکرل موت و تلاوت القرآن على حديث समझिए पहले फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेशक हादिहिल कुलूबा ये दिल यानी इन हमारे दिल इंसानों के दिल लतस्दाउ जंग आमीज हो जाते हैं जंग ज़दा हो जाते हैं यानी दिलों पर भी जंग चढ़ती है कमा जिस तरह से यस्दाउ जंग चढ़ती है आल हदीदो लोहे पर जैसे लोहे पर जंग चढ़ती है उसी तरह दिलों पर भी जंग चढ़ती है और लोहे पर कब चढ़ती है इदा असाबहुल मा जब असाबहु लोहे पर लगती है आलमा पानी छींटे पानी की जब लगते हैं लोहे पर तो जंग चढ़ती है बाद में इसी तरह इंसानों के दिलों पर भी जंग चढ़ती है ये एक जुमला उन्होंने फरमाया तो जो सहाबी सुन रहे थे उन्होंने पूछा यूस आलू आनहु जनाब से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मा जिला उहा या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिलों की जंग को कैसे साफ किया जाए कैसे दूर किया जाए जिला करना होता है चमक ले आना वापस किसी चीज़ में चमक दोबारा मैल कचेल दूर करके चमक पैदा करना उसको जिला कहते हैं रोशन करना तो उनको यानी दिलों को कैसे रोशन किया जाए या रसूलुल्लाह قال हमारा तो यह है قال कसरत ذکر الموت ये एक मुरकब इजाफी और दूसरा मुरकब इजाफी तिलावत القرآن ये सादा ये वाला सादा है मुरकब इजाफी ठीक है कि नहीं कुरान की तिलावत मुजाफ मुजाफिल है तिलावत करना किस चीज़ की कुरान की असल चीज़ मुजाफ है यानी तिलावत और मुजाफिल है फरवी चीज़ है फरा अब ये पहला हिस्सा जो है पहला ये कसरत ज़िक्रिल मौत कसरत ज़िक्रिल मौत दोहरी इजाफत का मुरकब है दो डबल इजाफत इसमें है तो इसका तर्जमा कैसे करेंगे ये वाला मुजाफ इधर लाएंगे ये वाला मुजाफ इधर लाएंगे और ये बीच में रखेंगे तो मौत तो मोती रहेगा जिक्र तो जिक्र ही रहेगा क्योंकि उर्दू में भी लफ्ज़ है और कसरत कसरत रहेगा कसरत मौत का मौत की जिक्र की कसरत मौत के का जब तज़किरा किया जाएगा कसरत में किया जाएगा तो उसी से दिलों की जंग दूर हो जाती है क्योंकि इंसान के हर वक्त जब मौत का ख्याल रहता है मौत का जिक्र रहता है तो वो हर बुराई से दूर रहता है और इस तरह उसका दिल उसका जहन आलूदा नहीं होता है तो अगर आलूदा हो तो वह आलूदगी धीरे धीरे दूर हो जाती है और वही जिला उन है जिला उन रोशन करना दिल का कसरत जिक्रिल मौत मौत की जिक्र की कसरत मौत के जिक्र की कसरत मौत के भी कर सके मौत मौत के जिक्र तो उर्दू में मुजक्कर मौत के जिक्र की कसरत कसरत मौनस मौत के जिक्र की कसरत समझ आ गई ना तो ये थी एक मिसाल एक और मिसाल हम लेंगे और वो कुरान में से है ये तो हदीस से थी मिसाल दूसरी कुरान से मिसाल है और वो है अबू
लहब के दोनों हाथ। सूरह मसद में तब्बत यदा अभी लहब व तब, तो ये एक इस्म है, असल में दो इस्म है, अबू लहब, और ये तीसरा इस्म है दोनों हाथ, अबू लहब। अबू लहब तो बजाय खुद सादा मुरकब इजाफी है, लहब का बाप अबू लहब, यानी अबू यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और यहाँ, तो अबू तो यहाँ आ जाएगा बाप, और यहाँ लहब रहेगा, और यहाँ दोनों हाथ यदान, दो हाथ यदान। अब मुजाफ की वजह से नून गिर जाएगा तो यदा बनेगा, बाप के बजाय अबू आ जाएगा, और यहाँ चूंकि जो तब्बत यदा अभी, क्यों, क्योंकि जर में लाना है, अबू को जर में अभी लाना है, तब्बत यदा अभी लहबिम व तब, ये चूंकि एक ही है इसलिए वहां आमतौर पे इस्तेमाल में एक साथ आ जाता है, तो उल्टा आ जाता है अभी लहब, वरना ये दो है, तो ये हिस्सा जो है अभी लहब बनेगा। रोज़मर्रा के गुफ्तगू में ये अभी लहब एक साथ पढ़ा जाता है, लहब और अभी अलग अलग नहीं पढ़े जाते। तबत यदा अभी लहब व तब, ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? अच्छा, फिर हम एक और हिस्सा इस बहस का, वो ज़रूरी है, और वो है, ये ख़त्म हो गया, ये हिस्सा हमारी बहस का ख़त्म हो गया, दोहरी ज़िया, दोहरी इजाफत। अब हम आए जाएंगे इजाफत के साथ सिफत के मसले में, इजाफत जमा सिफत, इजाफत जमा सिफत, इजाफत जमा सिफत। जैसे मिसाल के तौर पर तालिबे इल्म की गाड़ी, तालिबे इल्म की गाड़ी, एक मिसाल देते, ये मुरकब इज़ाफ़ी सीधा साधा है। अब गाड़ी के लिए हम कहेंगे मिसाल के तौर पर यहाँ तालिबे इल्म की जदीद गाड़ी या नई गाड़ी, नई गाड़ी, नई गाड़ी, तालिबे इल्म की नई गाड़ी। अब गाड़ी की सिफत है नई, ये कैसे हम करेंगे तर्जमा? गाड़ी तो क्या चीज़ है, मुजाफ है, और तालिबे इल्म उसके साथ इजाफत दी जा रही गाड़ी की, तो लिहाजा ये सैयारतो और ये तालिबे इल्म अत्तालिबो, तालिब अत्तालिब, सैयारतो तालिबे, तालिबे इल्म की गाड़ी, सैयारतो एक ही पेश और अत्तालिब ज़ेर, सैयारतो तालिबे, तालिबे इल्म की गाड़ी। अब हमारी है कि नई गाड़ी है, याद रखना चाहिए जब सिफत हो, चाहे वो मुजाफ की सिफत हो, चाहे वो मुजाफ इलैह की सिफत हो, तो सिफत का जो लफ्ज़ है वो आखिर पर आना चाहिए, सैयारतु तालिबेल जदीद, अब ये देखना ये जदीद जो है ये किस चीज़ की सिफत है, तो जिस चीज़ की सिफत है उसी के मुताबिक इसका आरा वगैरह लाना पड़ेगा। ये गाड़ी की सिफत है लिहाजा सयारा की सिफत है, और सयारा मोनस है, मरफू है, तो
जदीद के बजाय जदीदा मोनस बनेगा और मरफू है तो पेश लगेगा। सयारतु तालिबिल जदीदतो। गौर से समझिए। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर यही है, यही यानी कंस्ट्रक्शन, यही कंस्ट्रक्शन है, लेकिन नया तालिब इल्म के साथ सिफत है। मिसाल के तौर पर नए तालिब इल्म की गाड़ी, ठीक है, तो ये चीज इसी तरह तर्जम होगी। सयारा यहां आएगा, सयारा तो अच्छी तरह से समझे, सयारा तो अतालिबे, ये भी यही रहेगा, सयारतु तालिबे। अब ये तालिब की, नया तो तालिब इल्म है, नया तालिब इल्म, अच्छी तरह से समझे, नया सिफत जो है ये तालिब इल्म की सिफत है, तो दोनों सूरत में जदीद आखिर पर आ जाएगा, लेकिन फर्क ये रहेगा, ये मजरूर है तालिबे, ये भी तालिब रहेगा, ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर रहेगा, और मोनस की अलामत ता नहीं आएगी। तो इससे हम पहचानेंगे इस पे जो अलामत हैं वो किसके साथ मैच करते हैं, तो समझ ले पड़ेगा कि उसी की ये सिफत भी है। सयारतु तालिबिल जदीदी, अतालिबिल जदीदी एक ही मौसूफ सिफत है, तो ये मौसूफ है और ये उसकी सिफत है, यहाँ ये मौसूफ है और ये इसकी सिफत है, इसलिए यह मरफू है और ये भी मरफू है, ये मौनस है ये भी मौनस है, ये वाहिद है ये भी वाहिद है, तो लेकिन यहाँ यहाँ मरफू मुजाफिले है और ये मजरूर मुजाफिले है और अल जदीद सिफत भी मजरूर है, तो इसे पता चलेगा कि ये तालिब इल्म की सिफत है जदीद, इसे हम कहेंगे नए तालिब इल्म की गाड़ी, और यहाँ सिफत किस चीज़ की है, सयारा की, इसलिए हम कहेंगे तालिब इल्म की नई गाड़ी। ये गौर से देखें ताकि आपको कभी मुश्किल ना पेश आए, जब कहीं इबारत हो तो ये नथी करने में सिफत किससे किस चीज़ के साथ नथी करेंगे, मुजाफ के साथ या मुजाफिलाई के साथ। एक और मिसाल मिसाल के तौर पर अल्लाह एक इस्म है और रसूल दूसरा इस्म है, और हमारा बीच वाला है अजीम रसूल, अल्लाह का अजीम रसूल। देखिए अजीम मौसूफ है किस चीज़ की, ये सिफत है किस चीज़ की, मौसूफ रसूल की, रसूल की सिफत ये है कि वो अजीम है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको लास्ट में लाएंगे। तो पहले हम इसका तर्जमा करते हैं, रसूल मरफू, मुजाफ को मरफू करेंगे आराब हल्का करके, और अल्लाह को मजरूर रखेंगे, रसूलुल्लाह, ठीक है ना। अब ये अजीम अब हमें आखिर पर लिख रहा होगा, आल अजीम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आल, क्योंकि ये मारिफा है, ये भी मारिफ है, रसूल जिसका जिक्र हो रहा है ये रसूल अल्लाह है लिहाजा मारिफा है, इसलिए हम रसूलुल्लाहिल अजीम, ये मारिफा ये भी मारिफा, ये वाहिद ये भी वाहिद, ये मरफू ये भी मरफू, रसूलुल्लाहिल अजीम अल्लाह का अजीम रसूल, यानी रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल कैसा अजीम जो है, रसूलुल्लाहिल अजीम। अब अगर हमें कहना हो अजीम अल्लाह का रसूल, मिसाल के तौर पर अजीम अल्लाह का, अजीम खुदा का रसूल, अजीम अल्लाह का रसूल,
तो ये और ये यूं ही रहेगा, सॉरी ये मुजाफ और मुजाफिल है अपनी जगह रहेगा और सिफत आखिर पर आएगा, ये रसूलुल्लाह ही इसी तरह आ जाएगा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। अब आखिर पर सिफत आएगी अजीम अल्लाह है, लिहाजा ये भी अल्लाह की तरह मारिफ आ जाएगा। लेकिन यहाँ मरफू था ऊपर, ऊपर जहाँ रसूल अजीम था वहाँ मरफू था क्योंकि ये भी मरफू था, लेकिन यहाँ अल्लाह मजरूर है अजीम भी मजरूर आ जाएगा रसूलुल्लाहिल अजीम, रसूलुल्लाहिल अजीम, रसूलुल्लाहिल अजीम। यहाँ अजीमो क्योंकि रसूल, यहाँ अल्लाह ही, यहाँ अजीम अल अजीम। इस एक जबर और जेर के फ़र्क से इसके मायने बदल जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कभी एक जबर और एक जेर से मायने बदल जाते हैं अरबी के अंदर, और इंसान पूरा होश में होना चाहिए। एक और मिसाल कुरान में से ही, हुमज़ा सूरह हुमज़ा में से नार है एक लफ्ज, नारुल्लाह नारुल्लाह, अल्लाह की तैयार की गई आग यानी जहन्नम, नारुल्लाह अल्लाह की तैयार की गई नार। लेकिन कैसी सिफत इसकी है, अल मौक़िदतु नारुल्लाह मौक़िदतु, भटकाई हुई मौक़िदतु नारुल्लाह मौक़िदतु, मौक़िदतु सिफत है। अब ये नार की है या अल्लाह की, नारुल्लाह मौक़िदतु लती, तो चूंकि ये मरफू है और यहाँ नार मरफू है लिहाजा भड़काई हुई आग, अल्लाह के हाथों भड़काई हुई आग, लिहाजा मौक़िदत सिफत है आग की जो अल्लाह ने भड़काई है, अल्लाह की भड़काई हुई आग, समझ रहे हैं। और एक जो अक्सर हम सलाम में नमाज के बाद पढ़ते हैं, वस्सलामु अला, वस्सलामु अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, इबादिल्लाहिस्सालिहीन। वस्सलाम अला छोड़ दीजिए हमें इसके सदगर्ज, इबादुल्लाह इबादुल्लाह, ये असल में क्या है, ये असल में सालिहून, इबादुल्लाह सालिहून, असल में इबादुल्लाह सालिहून। लेकिन इस अला की वजह से जर आ गया इस सालिहीन पर, और यहाँ अला इबादु बजाय इबादिल्लाह सालिह, वस्सलाम अला इबादिल्लाह सालिह, इबादी भी जर और सालिहीन भी जर, हूना हीना, ये मरफू था अला की वजह से मजरूर बन गया, इबादु था अला की वजह से मजरूर बन गया, यानी अला ने इसके पेश को जेर बना दिया, इसके सालिहूना को सालिहीना बना दिया। वस्सलामु अला इबादिस्सालिहीन, वरना ये असल में है इबादुल्लाहिस्सालिहून, इबा खुदा के नेक बंदे, इबादुल्लाह इबादुल्लाह अल्लाह के बंदे, कैसे बंदे, सिफत क्या है उनकी, अस्सालिहून इबादुल्लाहिस्सालिहून सालिहून। ये भी इबाद, इबाद जो मुजाफ है ये भी मरफू और सालिहून भी मरफू, और अल्लाह मुजाफ इलैह मजरूर, अच्छी तरह से समझ लें, इबादुल्लाहिस्सालिहून असल है, असल है इबादुल्लाहिस्सालिहून।
अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, बंदे अल्लाह के नेक है सिफत और नेक की सालिहून आखिर पे आएगा। इबादुल्लाह नेक के लिए असालिहून आखिर पे आएगा सिफत, और जब आला इस पे चढ़ जाएगा इधर इब्तिदा में नथी हो जाएगा आला व सलाम आला, सलाम हो उन पर, किन पर, इबादुल्लाह सालिहून पर। तो आला की वजह से, पर की वजह से इबाद को भी मजरूर कर देगा और सालिहून को भी सालिहीन में तब्दील करके मजरूर कर देगा, और अल्लाह अपनी जगह अल्लाह रहेगा क्योंकि असल चीज मुजाफ है और वह है इबाद। अल्लाह तो मुजाफिले है, ये असल चीज इस जुमले में नहीं है। सलाम किन पर है, बंदों पर जो नेक हूँ, अल्लाह पर, अल्लाह तो खुद ही सलाम है, सलामती है, समझ गए। आखिर दावाना अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन। इसके